अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चिकन लॉलीपॉप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन विंग्स ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें लिया मैंने 1 अंडा, 3 टेबल स्पून भरकर लिया मैंने मैदा, 2 टेबल स्पून लिया मैंने बेसन और 2 टेबल स्पून लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें विनेगर भी डालेंगे और सोया सॉस भी डालने वाले हैं। दोनों में ही नमक होता है, तो नमक हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे सोया सॉस, 1 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे व्हाइट विनेगर। अगर आप व्हाइट विनेगर नहीं डालना चाहते तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। और ये जो चिकन लॉलीपॉप है, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है। और बच्चे बड़ों को सबसे ज़्यादा ये पसंद आता है कि उनको उनको चिकन नॉनवेज वगैरह ज़्यादा ही पसंद होती है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें, फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए रख दें। तो यहाँ पे मैंने खाली बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें चिकन विंग्स हमने जो लिए हैं वो डाल लेंगे। मैदा, बेसन, अंडा और कॉर्नफ्लोर इसको हम बाद में डालेंगे जब हमें फ्राई करना होगा, तो सारे इसी में हम डाल लेंगे। आप चिकन लॉलीपॉप्स आप लाकर घर पे भी तैयार कर सकते हैं, या तो आप जहाँ से चिकन लेते हैं उनसे भी बोलेंगे तो वो आपको बनाकर दे देंगे। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे हम इसमें नमक। तो नमक हम अभी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब ही, क्योंकि विनेगर और सोया सॉस दोनों में नमक होता है। अगर हमें बाद में सारे मसालों के बाद में लगेगा तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अगर थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा और मिर्च बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून डालेंगे हम सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप तीखी मिर्च की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून ले लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। और मसाले को हमें बहुत अच्छे से इसमें लगाना है ताकि इसके अंदर तक चला जाए। बाकी की जो कोटिंग के मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे इसमें जब हमें फ्राई करना होगा। ये देखिए, हमने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसको हम ढककर रख देंगे। देखिए, हमें इसको मैरिनेट करके रखे हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है मैदा, वो डाल लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पे बेसन, 2 टेबल स्पून लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और 1 अंडा, अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। 1 अंडा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि हमने 1 किलो लिया है, तो इसमें हम 1 अंडा और डाल लेंगे। और 1 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आपके पास रेड फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप आधा किलो लें तो उसमें 1 अंडे का यूज करें। इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है मीडियम हीट पर। इसको हमें बहुत तेज आँच पर नहीं फ्राई करना है, मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे।
5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छे क्रिस्पी हो जाए। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर एकदम फ्राई करेंगे तो जो गोश्त है चिकन हमारा गलेगा नहीं सही से, तो इसलिए 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम मसाला कोट करके एक एक पीस डालते जाएंगे। नीचे से थोड़ा सा सीख चुका है, फ्राई हो चुका है, तब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और अच्छा कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमने मीडियम पर ही रखा है चूल्हा, देख सकते हैं आप ये फ्राई होने शुरू हो गए हैं। अब इसके हम डालते ही हमें इसको नहीं चलाना है, ठीक है। शुरू में हम जब मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे अंदर तक। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छे क्रिस्पी बने। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए मीडियम आंच पर फ्राई होते हुए। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम हाई पर कर देंगे और 5 मिनट के लिए या इसके अच्छा कलर आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है तरीके से। 5 मिनट हो गए इसको हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए, अच्छे क्रिस्पी हो गए चिकन हमारे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा आया है। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे चिकन लॉलीपॉप्स फ्राई करके हमने तैयार कर लिए हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ इसको गर्मा गर्म बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने ड्राई लॉलीपॉप बनाए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं अंदर तक और जूसी भी बहुत है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको अपने घर में बहुत ही आसानी से और मार्केट से भी अच्छा बनाकर सफाई से खा सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक, और हमारे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।